त्रयशयनी एकादशी की मान्यता है कि इसी दिन से भगवान विष्णु सृष्टि की सत्ता के संचालन का भार भगवान भोलेनाथ को सौंपकर आगामी 4 माह के लिए योग निद्रा में जाकर विश्राम करेंगे। कार्तिक शुक्ल एकादशी 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी पर पुनः भगवान विष्णु के जागने पर उन्हें सत्ता सौंप देंगे। खास बात यह है कि देवशयनी एकादशी इस बार 3 खास योग का संयोग बन रहा है जो आगामी 4 महीने के लिए शुभ फलदायी और मंगलकारी रहेंगे। देवशयनी एकादशी पर इसी दिन से चतुर्मास शुरू होगा। जैन संतों का वर्षावास भी शुरू हो जाएगा। चतुर्मास में हवन पूजन कथा सत्संग होते रहेंगे। इन चतुर्मास में कथा प्रवचन कराने और श्रवण करने का कई गुना फल प्राप्त होता है।